चलिए देखो बेटा, सो दिस इज जनरल रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, देखो ए प्लस बी दैट इज गोइंग टू डू द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर जो भी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा दैट विल बी द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सेकेंडली हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगी? सी डी से, ठीक है। जैसे आपने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखा है, ए बी जो है वो आगे सी डी देंगे, बैकवर्ड में क्या होगा, जो सी डी है वो वापस आपको क्या देंगे, ए बी देंगे, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों रेट ऑफ द रिएक्शन दे विल बी इक्वल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट है वो इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर के एफ और के बी को क्या, सॉरी, रेट ऑफ द रिएक्शन जब इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों के एफ ए इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू के बी सी इंटू बी, ठीक है सहज। देन के एफ ओवर के बी हमने सेम रखना है और यहाँ पर सी और डी आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए एंड बी, ठीक है। दिस के एफ बाय के बी, इसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अलग अलग ये दोनों रेट हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो हम इनको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। दैट इज इक्वल टू सी डी ए एंड डी। अब मैंने आपको कल बताया था कि इफ वी आर हैविंग सम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि हमने रिएक्शंस जो हमेशा लेनी है वो कैसी लेनी है, बैलेंस रिएक्शंस लेनी है, ओके। एंड इफ दिस रिएक्शन इज हैविंग सम ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट, तो जो फाइनल रेट है वो कैसे लिखा जाएगा, जो फाइनल रिएक्शन का रेट है उसमें आपने ये जो कॉफिशियंट हैं, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट हैं, इनकी पावर में लिखने हैं, ओके। दिस इज द फाइनल रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, वेयर दीज ब्रैकेट्स दे आर द मोलर कंसेंट्रेशन, जब हम कंसेंट्रेशन में बात कर रहे हैं, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग इन द कंसेंट्रेशन। यही जब हम गैशियस रिएक्टेंट्स लेते हैं, ठीक है, जब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में है, तो हम मोलर कंसेंट्रेशन की बजाय क्या कंसिडर करते हैं, पार्शियल प्रेशर, ओके। व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन द गैशियस स्टेट देन व्हाट वी कंसिडर, पार्शियल प्रेशर्स कंसिडर करते हैं हम उनको, क्योंकि गैसेस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, ठीक है, सो वी विल बी कंसिडरिंग देयर पार्शियल प्रेशर्स। तो फिर ये के सी जो है वो के पी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी मतलब कंसेंट्रेशन, पी मतलब प्रेशर, ओके। पी सी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, यहाँ आप सिंपली लिखो, कंसेंट्रेशन में रहने दो इसको, ऐसे लिख लो पी सी इंटू पी डी, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, पी ए इंटू, और अगर पावर्स हैं तो पावर्स में रेज कर दो इनको, ओके, इफ यू आर हैविंग पावर्स एंड रेज टू देयर पावर्स, क्योंकि हम प्रेशर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में है, और गैसेस के लिए हम पार्शियल प्रेशर्स कंसिडर करेंगे, कंसेंट्रेशन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसेंट्रेशन उसमें जिसमें आप एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो, ओके, उसकी मोलारिटी स्ट्रेंथ देख के, ठीक है, जो भी आपने जितनी मर्जी मोलारिटी स्ट्रेंथ की जो भी चीजें बनाई हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, उस केस में हम कंसेंट्रेशन देखेंगे। इफ वी आर हैविंग द रिएक्टेंट्स इन द गैसियस स्टेट देन वी विल बी कंसिडरिंग द पार्शियल प्रेशर्स। हाँ जी, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसियस वन, ठीक है, वहां पर कंसेंट्रेशन है सेम ही, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, वो कंसेंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है और ये प्रेशर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, के सी एंड के पी। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी।
अब आपने ये दोनों जो है वो याद रखनी है, पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द मोलर कंसेंट्रेशन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर्स. ओके, इन द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट, या जो आपका स्टेट ऑफ मैटर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द आइडियल गैस. ठीक है, वो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट उसका एक एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं. ओके, तो आपने वो याद रखना है, कर लेंगे जब चैप्टर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर पी. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पी स्मॉल यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्मॉल पी यूज करूँ. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द आइडियल गैस. कहते हैं कि जो आइडियल गैसेस होती हैं, जो अच्छी वाली गैसेस होती हैं, वो इस एक्सप्रेशन को मानती हैं. ओके, राइट, आप तो अच्छे बच्चे नहीं हो तभी देख नहीं रहे. ओके, सो आइडियल गैस इक्वेशन है ये, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कॉन्स्टेंट. ठीक है, आर इज गैस कॉन्स्टेंट. टी टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, और आर की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर विच इज अ गैस कॉन्स्टेंट, 0.082 लीटर एटमोस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स. P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant and T is temperature. ठीक है जी, ओके. अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखो. इस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के लिखने लगी हूं मैं. ठीक है, एन बाय वी किसके इक्वल होगा, एन बाय वी इज इक्वल टू, एन बाय वी इज इक्वल टू पी बाय आर टी, पी बाय आर टी इसी के इक्वल होगा, वेयर एन बाय वी इट रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन सी, वेयर एन बाय वी इट रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन सी. ठीक है जी, तो अपना केसी वाला एक्सप्रेशन उठाओ. केसी वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहां पर आप कंसेंट्रेशन लिख रहे हो, ए की कंसेंट्रेशन लिखी, बी की कंसेंट्रेशन लिखी, सी की कंसेंट्रेशन. दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए बी सी एंड ये सी जो है कंसेंट्रेशन है ना, तो कंसेंट्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की. समझ आया? ठीक है, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है केसी वाला, उसमें हमने ये चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है. बोलो एक्सप्रेशन केसी का, केसी इज इक्वल टू सी बी ओवर ए बी. ओके, एज्यूमिंग दिस कंसेंट्रेशन सी एज दिस, तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा पी सी बाय, और इनकी पावर्स हैं सी डी ए बी, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ये स्टेप देखो, समझ आया? सी के इक्वल नहीं किया, मैं बोल रही हूं इन जनरल सी जो है यहाँ पर कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी की भी, ए बी सी डी. जब मैंने उसको नाम दे दिया किसी एक रिएक्टेंट का, तो P के साथ मैं उस रिएक्टेंट को अटैच कर रही हूँ. ठीक है, P के साथ मैं उस जो जो जिसकी भी आप कंसेंट्रेशन बात कर रहे हो उसको अटैच कर रही हूँ. ठीक है, अब जैसे मैंने सिमिलरली B की लिखनी है, अब ये कंसेंट्रेशन का एक्सप्रेशन है आपके पास, तो मैं B की कैसे लिखूंगी या D की कैसे लिखूंगी, पहले पी डी बाय आर टी स्मॉल डी उसकी कोएफिशिएंट. हाँ जी, ऐसे लिखूंगी, या इनको नॉर्मल ब्रैकेट्स डाल लो, क्योंकि ये तो प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं. हाँ जी, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं? सिमिलरली नीचे वाला लिखो, P
a by rt, this is a, and this is p b by rt, this is b. Any doubt to anyone, you can ask. Ho gaya clear? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. ठीक है, तो याद रखना. अब देखो, इसमें से मैं सारे पी सी पी डी पी ए और पी बी जो है वो अलग कर दूंगी, क्योंकि नीचे आर जो है वो भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बात करेंगे तो वो भी कांस्टेंट है. ठीक है, अब देखो, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर पी ए की पावर ए और पी बी की पावर. इज दिस ओके? क्लियर है? निकालते हैं आरटीबी. ठीक है, अब यहां से हम आरटी निकालेंगे. अंदर क्या बचेगा? वन बाय आरटी सी, वन बाय आरटी बी, यही बचेगा. सिमिलरली नीचे वन ओवर आर टी ए, वन ओवर आर टी, क्यों काटना, क्यों, इनकी पावर्स अलग अलग है ना, सबके मोलर कॉफिशियंट डिफरेंट है, काटेंगे कैसे? कोई ए सपोज चार हुआ, बी जो है वो तीन हुआ, वो तो बाद की बात है ना, जब हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब ऐड ही करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में. यहां पर सी प्लस डी आ जाएगा, ऐसे ही होगा, और नीचे ए प्लस बी. ठीक है रे, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज करो और आंसर बताओ बेटा. हाँ, ए और बी को ऊपर लेके जाना है आपने. तो ये बन जाएगा आपका पी सी सी पी डी डी पी ए ए पी बी बी, वन ओवर आर टी यहीं पे, सो इट विल बी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. ठीक है जी, हो गया. अब ये एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना नहीं लगा आपको? केपी है ये. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज केपी. सो हमने क्या लिखा? के सी इज इक्वल टू के पी इंटू वन ओवर आर टी सी प्लस डी माइनस. ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखो. के सी इज इक्वल टू के पी वन ओवर आर टी लेट इट बी डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ द मोल्स, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट्स. ठीक है, ये डेल्टा एन जी क्या है? व्हाट इज दिस डेल्टा एन जी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये रिलेशन आपने याद रखना. हाँ, क्योंकि हम गैशियस में बात कर रहे हैं ना, गैशियस प्रोडक्ट, उसको नाम दिया है बस, कोई इस पूरे टर्म को एक नेम दिया है, दैट इज डेल्टा एन जी. डेल्टा एन, या डेल्टा का मतलब क्या होता है? वेन एवर वी डिफरेंस, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं ना तो हम डेल्टा लगाते हैं. एन किसका चेंज है? नंबर ऑफ मोल्स का. ये आगे वाले जो नंबर्स हैं वही है ना, नंबर ऑफ मोल्स हैं.
जी हियर इज रिप्रेजेंटिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस सब्सटेंसेस, तो डेल्टा एन जी, ठीक है जी। चलिए अब एक न्यूमेरिकल लिखो, अच्छा यूनिट्स लिख लो। वैसे तो अगर ऊपर और नीचे जब आप केसी रिप्रेजेंट करते हो क्या लिखते हो, मोलर कंसेंट्रेशन, ऊपर भी मोलर कंसेंट्रेशन है नीचे भी मोलर कंसेंट्रेशन है, तो ये कट जाएंगी, दैट विल डिपेंड ऑन द स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट देन, ठीक है। ये चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट पे। देखो अगर तो सबकी पावर्स सेम है तो फिर तो ये कट ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि सबके यूनिट जो है वो क्या आएंगे, सी किसकी इक्वल है एन बाय वी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, वी इज इन लीटर। तो इन जनरल अगर मैं यूनिट्स लिखूं, इन जनरल अगर मैं यूनिट्स लिखूं के सी के, तो इट विल बी मोल पर लीटर। बट ये आपने देखने हैं कि स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। अगर तो ऊपर और नीचे, क्योंकि हम दोनों चीजों को सेम ही रेशियोज में ले रहे हैं, अगर तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे तो इट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस है, बट अगर वो यूनिट सर्वाइव करेंगे तो डैट विल बी मोल पर लीटर, ठीक है। इसी तरह प्रेशर के, केपी के, केपी के यूनिट्स हो जाते हैं किलो पास्कल, प्रेशर हम पास्कल्स में बताते हैं, ठीक है, तो किलो पास्कल्स में इसके यूनिट्स होंगे, जैसे इसके मोल पर लीटर में, उसके किलो पास्कल्स में। चलिए राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, अच्छा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मोल्ड करेंगे इससे पहले। ये जो आपका डेल्टा है इसको ऐसे एक्सप्रेस करो, डेल्टा एन जी को ऐसे एक्सप्रेस करो, नहीं उसको ऊपर ले जाओ, वो माइनस का साइन उसमें एडजस्ट करना ना हमने डेल्टा एन जी में, कहीं पर उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट। नहीं आप ऐसे ही लिखो इस एक्सप्रेशन को, राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, जो आपका डेल्टा एन जी है फिर इस अकॉर्डिंग ए बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है जी। नहीं वेट, वेट वेट, वन बाय आर टी था एंड दैट इज डेल्टा एन जी, तो फिर इस एक्सप्रेशन को के सी आर टी डेल्टा एन जी इज इक्वल टू के पी एक्सप्रेस दिस लाइक, ठीक है, और वो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन वन न्यूमेरिकल नाउ, हाँ डेल्टा एन जी सेम है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, उधर हमने उसको उधर ले गए ना, फिर आज एक डेरिवेशन की है बस।